This video is only for class 9th students. And the most important topics that is the work energy and power. This video is related on chapter of work energy and power, which is the most precious chapters for your examinations. So let's start dear students. Work. Bit of work denote carrying a WC. फॉर्मूला बनेगा आपका डब्ल्यू इक्वल टू एफ इन टू यस दैट मीन्स वर्क इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्टेंस राइट हम डिफिनेशन यहां से बनाएंगे वर्क इज से टू बी डन

वर्क तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करे फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको तो पता ही है जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को चेंज नहीं कर सकता राइट right? तो बेटा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ डिस्टेंस कवर किया जा सके कुछ प्लेस चेंज हो सके तो हम कहेंगे वहाँ पर वर्क हो रहा है इफ बी अपलाइड अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस वर्क बिकम्स जीरो राइट तो बेटा वर्क होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है फोर्स अप्लाई होना नेसेसरी और उस ऑब्जेक्ट का अपने प्लेस को चेंज करना भी नेसेसरी। कवर सम डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स प्लेसैट वर्क इज डन वर्क तभी होगा जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ डिस्टेंस कवर किया जाएगा फोर्स अप्लाई होने के बाद राइट right? अब अगर इसकी यूनिट कैलकुलेट करें तो बेटा यूनिट आपकी बनेगी फोर्स की यूनिट आपकी होती है न्यूटन आप पहले से जानते हैं डिस्टेंस की यूनिट आपकी बनती है मीटर तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ द वर्क राइट इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जे भी लिखते हैं जूल भी इसको बोला जाता है क्लियर है यहाँ तक तो वर्क होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है फोर्स लगना चाहिए और डिस्टेंस कवर होनी चाहिए यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर या फिर इसको हम जूल कहेंगे क्लियर है अब जरा सोचिए क्या सभी डायरेक्शन सभी जो फोर्स अप्लाई किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स बराबर ही होता है भाई फोर्स किसी भी डायरेक्शन से हम अप्लाई कर सकते हैं ना मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो और हम फोर्स इस तरीके से अप्लाई करें कुछ एंगल बनाते हुए फोर्स अप्लाई करें सीधा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं इसी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं फोर्स भी अप्लाईड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन एवरी डायरेक्शन प्रत्येक डायरेक्शन से हम फोर्स क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं तो अगर कुछ एंगल बनाते हुए फोर्स अप्लाई हो उसे केस में वर्क का फॉर्मूला आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा अब आपका अगर कुछ एंगल बनाते हुए फोर्स अप्लाई हो मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट मेकिंग सम एंगल तब का फॉर्मूला बेटा चेंज हो जाएगा डब्ल्यू बराबर बनेगा एफ इंटू एस इंटू थीटा अब फॉर्मूला आपका होगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस थीटा राइट बेटा थीटा इज द मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल आगे की क्लास में जब आप पहुंचेंगे तब वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि एंगल्स के अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं लाइक like so तो थीटा 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 सो तो पे जीरो नाइनटी हो सकता है है। right? राइट तो अलग अलग वैल्यू के हिसाब से मेजरमेंट्स अलग अलग तरीके से किया जाता है क्लियर बेटा यहां तक तो? आइए थोड़ा सा वर्क के बारे में और डिटेल में चर्चा की जाए अब अगर हम लोग वर्क को डिफाइन करें तो वर्क हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा अलग अलग टाइप में तीन टाइप से वर्क को डिवाइड करेंगे एक वर्क होगा आपका पॉजिटिव वर्क दूसरा बेटा आपका हो जाएगा नेगेटिव वर्क और तीसरा आपका होगा जीरो वर्क पॉजिटिव वर्क कब होगा जैसे करें अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर माने जी हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं हम ऐसे आगे जा रहे हैं राइट right? और हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई हो और जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं हम उसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई हो जाए तब क्या होगा हमारी स्पीड बढ़ जाएगी हम जितनी स्पीड से जा रहे हैं उससे थोड़ी तो दुगनी स्पीड से जाने शुरू हो जाएंगे कुछ स्पीड हमारी क्या हो जाएगी चेंज होगी बढ़ जाएगी फोर्स हमने अप्लाई किया तो फोर्स का कुछ इफेक्ट पड़ा और ये इफेक्ट कैसा है आपका पॉजिटिव इफेक्ट सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा ना भाई हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में पीछे से फोर्स अप्लाई कर दें फोर्स हमारी क्या हो जाएगी जस्टेबल हो जाएगी होगा कि नहीं होगा तो अब चूंकि हम मूव कर रहे थे फोर्स भी अप्लाई हो गया मतलब वर्क हुआ वहां पे, जब वर्क हुआ तो वो कैसा वर्क है बेटा हमारी स्पीड बढ़ गई ना तो कैसा वर्क हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वर्क हो जाएगा मतलब डिफेशन क्या बनेगी डिफेशन आपकी होगी इफ द फोर्स applied in the same direction in which body moves work becomes positive क्लियर बेटा इफ द फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन इन बॉडी मूव्स वर्क बिकम्स पॉजिटिव अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर दें वर्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव आपने झूले का केस देखा होगा झूला देखा होगा झूले पे आप बैठ करके आनंद भी लिए होंगे झूला क्या होता है इस तरीके से टर्न होता है ऐसे ऐसे ठीक है ना मान लीजिए एक झूला है कुछ जने यहाँ बैठे हुए हैं ये झूला ऐसे जा रहा है फिर इस तरीके से जा रहा है अब अगर हम ये ऐसे जाने की कोशिश किया और हम यहीं पर खड़ो करके इसी डायरेक्शन फोर्स भी अप्लाई कर देंगे तो झूले की स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ना बेटा झूला अब दुगनी गति से मूव करना शुरू करेगा होगा ना जो वर्क हम अप्लाई कर रहे हैं जो वर्क वहाँ पर हो रहा है जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से वर्क भी हमारा क्या हो गया सकारात्मक हो गया पॉजिटिव वर्क हो गया क्लियर अच्छा जरा सपोज करें झूला इसी डायरेक्शन मूव कर रहा था हम अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर दें अब झूले की स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ना झूला हो सकता है कम स्पीड से मूव करे या हो सकता है झूला पूरी तरीके से रुक जाए तो वहाँ पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किस डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं जिस डायरेक्शन बॉडी मूव हो रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब होगा वर्क तो होगा वहाँ पे लेकिन वर्क कैसा होगा बेटा नेगेटिव वर्क हो जाएगा होगा ना तो मतलब यहाँ से लिखेंगे डिफिनेशन क्या बन जाएगी सेम डिफिनेशन

इधर फोर्स अपलाइड परपेंडिकुलर ऑन एनी ऑब्जेक्ट वर्क भी से ज़ीरो अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री अप्लाई हो वर्क किसी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे ठीक एंगल बनाते हुए 90 डिग्री एंगल बनाते हुए परपेनिकुलर अप्लाई हो जाए तो वर्क वहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला बनेगा आपका क्या डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा इसका मतलब ये होगा इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा हमारा कि फोर्स कुछ भी हम रख लें डिस्टेंस कुछ भी कवर कर ली जाए तो वर्क क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये टर्म्स बनेगा ऐसा कुछ f इंटू एस इंटू cos नाइन्टी कॉस्ट नाइन्टी की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी ज़ीरो हो जाएगी मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे फोर्स 90 नाइन्टी डिग्री पे अप्लाई हो रहा है तब उस केस में बेटा वर्क हमारा क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा अंडरस्टैंड बेटा यहाँ तक क्लियर है अब जरा सपोज करें कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए जीरो वगैरने के कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए आपने रेलवे प्लेटफार्म पे कुली को देखा होगा कुली क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट पैसेंजर्स के लगेज को अपने सर पे रख करके एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म की तरफ ट्रांसफर होता है क्योंकि कुली ने जैसे ही लगेज को अपने सर पे रखा उसने फोर्स अप्लाई किया भाई लगेज को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स अप्लाई करने के बाद वो आप वो कुली एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता है मीन्स उसके द्वारा कुछ डिस्टेंस कवर की जा रही फोर्स भी अप्लाई हुआ डिस्टेंस भी कवर किया गया मतलब वर्क वहाँ पर हो रहा है अब हम ये चेक करेंगे वर्क कैसा हो रहा है चूँकि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है चूंकि उसने सर पर रखा हुआ है तो सर को पे क्या करेगा लगेज को लिफ्ट किया होगा उठाया होगा दैट मीन्स अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए द बॉडी बिकम्स अ परपेनिकुलर भाई लगेज भी तो फोर्स अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम हैं हम कोई सामान सर पे रखते हैं तो भाई वो बॉडी जो सर पे रखी गई है वो भी तो हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई होगी करेगी और जो फोर्स अप्लाई करेगा कैसा फोर्स होगा बेटा जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा नाइन्टी डिग्री में फोर्स अप्लाई करेगा दैट मीन्स फोर्स बिकम्स नाइन्टी डिग्री सो द वर्क बिकम्स बाय दिस फॉर्मूला जीरो अब वर्क वहाँ पे क्या हो गया हमारा जीरो हो गया वर्क डन बेटा क्या हो जाएगा हमारा जीरो बन जाएगा क्लियर आता तो कुली का जो केस होगा वो जीरो हो जाएगा अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं मान लीजिए कोई एक कुली है उसने सूटकेस पकड़ा हुआ है सूटकेस उठाया है अब भाई सूटकेस तो ऐसे लेकर को तो उठाएगा नहीं सूटकेस ऐसे बगल में टांग के रखा होगा और वो अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा है तब तो जरा बताइए भाई सूटकेस तो उसने लिफ्ट किया हुआ है लेकिन प्लेस चेंज नहीं कर रहा है तो प्लेस चेंज ना करने की वजह से वर्कडन वहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बिकम ज़ीरो डिस्टेंस बिकम जीरो सो द वर्क बिकम जीरो तो वर्क तीन केस में जीरो हो सकता है यदि थीटा नाइन्टी हो जाए यदि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए यदि फोर्स भी ज़ीरो हो जाए फोर्स जीरो वर्क जीरो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जीरो वर्क जीरो थीटा बिकम्स नाइन्टी डिग्री वर्क बिकम्स जीरो बेटा क्लियर यहाँ तक यहाँ तक मैं किसी कोई समस्या हो तो बताएं नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें लेंगे बेटा क्लियर आई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन हमारे सामने find the work done find the work done by a force of 20 newton which displays a body पॉइंट फाइव मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में आपका गिवन है फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ ट्वेंटी न्यूटन फोर्स आपका गिवन है बेटा एफ की वैल्यू गिवन है कितना ट्वेंटी न्यूटन कुछ डिस्प्ले सब मॉडिय थ्री पॉइंट फाइव मीटर डिस्टेंस आपका दिया गया कितना थ्री पॉइंट फाइव मीटर राइट वर्क डन पूछा गया है फॉर्मूला अप्लाई करें डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू एस मतलब वो होगा एफ की वैल्यू ट्वेंटी एस आपका दिया गया थ्री पॉइंट फाइव ये वैल्यू बन जाएगी कितना सेवेंटी जूल राइट क्लियर बेटा क्वेश्चन में फोर्स गिवन था क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर किया गया वर्क निकालना है फॉर्मूला अप्लाई किया अपने ओवर एफ इन टू एस करके कैलकुलेट किया आंसर आ गया सेवेंटी जूल वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरा क्वेश्चन होगा बेटा इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फाइव पीटर बाई अ फोर्स ऑफ फिफ्टी न्यूटन the work done the work done is one to 5 joule find out the angle find out the angle between the direction of force between the direction of force and displacement direction of force and the displacement question question in displacing a body 5 meter by a force of 20 Newton 50 Newton the work done is 125 Joule find out the angle डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट तो सबसे पहले हम नोट करेंगे क्वेश्चन में क्या है इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फाइव मीटर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिया गया बेटा एस की वैल्यू देगी कितना फाइव मीटर बाई अ फोर्स ऑफ फिफ्टी न्यूटन एफ दिया गया आपका है आपके पास फॉर्मला होता है डब्ल्यू इजकल टू एफ इंटू एस इंटू थीटा ये दिया गया वन ट्वेंटी फाइव एफ की वैल्यू दी गई फिफ्टी एस आपका दिया गया फाइव इंटू थीटा ये नीचे आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टी इंटू फाइव बराबर थीटा ये टर्मस हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी इजक्ल टू थीटा तो ये टर्म से जाएगा कितने बार वन ट्वेंटी होता है ना तो ये बन गया कॉस् थीटा की वैल्यू कितनी वन बाई टू तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा सिक्सटी डिग्री क्योंकि कॉस्ट सिक्सटी की वैल्यू कितना होता है थीटा इज बिकम्स डिग्री क्लियर है क्वेश्चन पूरा ध्यान से देखें क्वेश्चन में कहा गया इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फाइव मीटर बाई ए फोर्स ऑफ फिफ्टी न्यूटन द वर्क डन इज वन ट्वेंटी फाइव जूल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है बॉडी पे जितना फोर्स अप्लाई हुआ है ये दिया गया है और बॉडी के द्वारा वर्क कितना कंप्लीट हुआ ये भी दिया गया है अब आपसे पूछा गया अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिसप्लेसमेंट के बीच कितने एंगल्स बनी थी निकालना है फॉमला आपने अप्लाई किया डब्ल्यू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा से थीटा आपने कैलकुलेट कर ली कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू तो थीटा यहाँ पर बन गया कितना बेटा सिक्सटी डिग्री आई थिंक इट शुड बी क्लियर सो आज यहीं तक नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करते हैं और एनर्जी के बारे में लोग देखेंगे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास